प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं कराने वाली हूँ बालकनी टूर, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी थी। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, मेरी बालकनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चाहे वो मेकओवर हो चाहे DIY हो, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से एक साथ देख सकते हैं। सो इस बालकनी में 50-80% चीज़ें मेरी खुद की DIY हैं और बहुत से डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक बार में तो घर नहीं बनता, धीरे धीरे ही बनता है, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अभी मेरी लिस्ट में हैं, आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का ये टूर स्टार्ट करते हैं। सो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने शू रैक से। इस शू रैक के ऊपर मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हैं क्योंकि हम लोग बार बार यूज़ करते हैं तो मे बी वो गिर सकता है, इसलिए। सो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले लगाया एक आर्टिफिशियल ग्रास मैट, डोर मैट बेसिकली ये है, और इसको मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। इसके जस्ट ऊपर मैंने लगाया है ये स्ट्रेच लुक में वॉल जो शेल्फ आती है, इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया है। इसको मैंने इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट किया है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टोन आर्ट देखने को मिलेगा, कुछ टॉयज़ मिलेगा जिसको मैंने एज ए प्लांटर यूज़ किया है, तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आपको। और क्योंकि अभी ये सिचुएशन चल रही है, ये पैंडमिक सिचुएशन, और ये मेरा एंट्रेंस है, तो यहाँ पे मैंने एक सैनिटाइज़र भी रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। अब बात करती हूँ मैं इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे आप थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो ये है एक मैट्रेस जिसको मैंने एक पुराने ब्लैंकेट को एज अ मैट्रेस मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, और इसके ऊपर का कवर जो है वो वॉशेबल है। सो ये है मेरा एक DIY फ्लोर टेबल या फ्लोर बेंच आप कह सकते हैं, इसका भी DIY है, और ये कॉर्नर मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पे एक है आर्टिफिशियल ट्री, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये आर्टिफिशियल ट्री पहले कंप्लीट वाइट था, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं। अभी ये जो है ये एक सॉक्स रखने के लिए मैंने बनाया था, शू रैक के जस्ट पास में रहेगा करके, तो ये काफ़ी इजी रहता है, सब चीज़ें एक साथ होती हैं। तो अब ये जो ट्री था ये पहले कंप्लीट वाइट था, बट मैंने इसमें हल्का सा पिंक टच दिया है, जो कि दोनों ही काफ़ी अच्छे थे, वाइट भी ऑल ओवर और ये पिंक भी। और यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा नेस्ट है, इसका भी एक छोटा सा DIY है, आपको यहीं मिल जाएगा। सो इसके जस्ट ईस्ट वाली वॉल में मेरी एक पेंटिंग है। सो ये है मेरा विलेज, नाभी विलेज, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा में हमारा विलेज पड़ता है, और इसके जस्ट पास में ही मैंने इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट किया है। सो अभी जस्ट सिटिंग अरेंजमेंट के पास में का जो एरिया है उसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, जहाँ पे मैंने रखे हैं अपना ये सकलेंट। सो ये मेरा एक फाउंटेन DIY था, कुछ मिस्टेक की वजह से ये अच्छे से वर्क नहीं किया, तो इसको मैंने यहाँ पर एज अ प्लांटर यूज़ करती हूँ इस फाउंटेन को, जहाँ पर मैंने इस तरीके से डिफरेंट तरीके के सकुलेंट्स लगा रखे हैं। और इसको मैंने एक टायर के ऊपर रखा है, मेरे स्कूटी का टायर है। और ये है एक हनी बी प्लांटर जिसको मैंने पेपर फ्राई से परचेज़ किया है। और ये है मेरा एक करी पत्ता प्लांट जो कि अब जाके बहुत अच्छे से ग्रो किया है, ये 3-4 साल से मेरे पास है। और अभी इस प्लांटर में भी मैंने एक छोटा सा सकुलेंट लगाया है, सो इसको मेंटेन करना काफ़ी इजी रहता है, इसलिए मैं इस तरीके से जो लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स हैं वो मेरे पास ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और इस करी पत्ते को मैं सुखा के भी रख लेती हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो काफ़ी इजी हो जाता है। सो इसका जो ये स्टैंड है, ये बेसिकली एक स्टूल या कुछ इस टाइप का कह सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा था। और ये है एक न्यूज़पेपर होल्डर, मैगजीन होल्डर, तो इसका भी एक DIY मैंने शेयर किया हुआ है, जो भी मैं इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से प्लेस करके रखती हूँ। सो इसके जस्ट ऊपर वाली विंडो को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। सो इस कॉर्नर का एक कंप्लीट मेकओवर है, लिंक वो मैं शेयर कर दूँगी। और ये मेरा रिसेंटली एक DIY था, तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया है। और ये मेरा एक बहुत पुराना, मेरे चैनल के स्टार्टिंग में मैंने अपना नेम प्लेट बनाया था वो है, और इस तरीके से मैंने लाइट से यहाँ पे इस एरिया को डेकोरेट किया है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ
दो लाइट्स देखने को मिलेंगी। अब लाइट्स इसलिए भी क्योंकि मुझे, मेरी बालकनी बड़ी है और मुझे लाइटिंग का बहुत शौक है, मुझे पूरे घर में आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया है। सो ये वाला जो वॉल है ये शू रैक के जस्ट अपोजिट में आता है और इसका एक मेकओवर मैंने शेयर किया है, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसे दिखा रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं और ये है मेरा फाउंटेन। सो ये वाला जो स्पेस है ये पहले जो आप स्टैंड देख रहे हैं स्टैंड नहीं था, अब मैंने हाल फिलहाल में ये स्टैंड्स लगाए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल क्रीपर्स, कुछ फ्लावर्स और कुछ इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। सो इन कैंडल होल्डर्स में पहले फेरी लाइट थी जो कि मैंने हटा दी और मैं इसको अभी नॉर्मली ही यूज़ करती हूँ और पाइप लाइन्स को मैंने कुछ इस तरीके से कवर किया है। सो ये है मेरा मिंट जो कि अभी एंड में है, बहुत भरा भरा, बहुत ज़्यादा भरा भरा था, मैंने सब सुखा के रख लिया है। और अभी यहाँ पे आप अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने बहुत लो मेंटेनेंस वाले प्लांट रखे हैं क्योंकि इस मेरे घर का अगर सब कुछ ही मुझे करना है तो मैं बहुत चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ पे मैंने चीज़ों को डेकोरेट किया है। और यहाँ पे जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है, नर्सरी से, जो कि मुझे बहुत अच्छे प्राइस में पड़ गया था थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद। सो ये जो शेल्फ़ देख रहे हैं ये भी एक DIY है और यहाँ पे मैंने बहुत छोटी-छोटी एसेसरीज़ से इनको डेकोरेट किया है जो कि इस कॉर्नर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। कुछ मेरे DIY हैं, कुछ मैंने परचेज़ किए हैं। सो ये जो फाउंटेन का जो पानी का आवाज़ है ना, ये इतना रिलैक्सिंग रहता है। हम लोग मॉर्निंग में अपना टाइम स्पेंड करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना और चाय पीना, इवनिंग में हम लोग उसको स्पेंड करते हैं यहाँ पे टाइम। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो मोस्टली टाइम हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पे रहते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है ये। सो चलिए अब आते हैं बालकनी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। तो ये भी एक छोटा सा सेटिंग अरेंजमेंट है और इस टेबल में मैंने इस तरीके से एक टॉय को एज अ प्लांटर रखा है और इस यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलियाँ हो गई हैं बहुत सारी। सो ये मेरे को बहुत क्यूट लगता है क्योंकि मैं इसको इसलिए रखती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर हम नीचे कारपेट पर ही पढ़ते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये है सेट जिसमें चार मुड़ा थे और एक टेबल था, ये मेरा काफ़ी पुराना सेट है और ये फेड भी हो चुका है क्योंकि मेरे पुराने घर में ये ओपन में रखा रहता था। सो इस वाले कॉर्नर को, ये वाला जो स्पेस है, इसको मैंने कम्प्लीटली जंगल लुक दिया है, पूरा खिच पिच खरा भरा है यहाँ पे। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे अपने DIY से इसको डेकोरेट किया है। तो इसको मैं ज़्यादा क्लीन भी नहीं करती, थोड़ा सा अच्छा लगता है जैसे पॉट्स के ऊपर पॉट्स रख देना और इस तरीके से जब कंजस्टेड सा लगता है तो ये लुक मेरे को काफ़ी पसंद है। तो अलग अलग है, कहीं मैं वह बहुत अच्छे से रखती हूँ तो इसको मैं नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पे जितने भी मेरे पास प्लांटर हैं मैंने लगभग सबको हाइट देने की कोशिश की है क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो मेरे को बहुत इजी हो जाता है उससे। और इस वाले पोर्शन में बहुत डायरेक्ट सनलाइट आती है जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेट लगा रखा है क्योंकि समर्स में मेरे प्लांट्स बहुत ख़राब होते हैं। सो ये जो कॉर्नर है एक तरीके से वेजिटेबल कॉर्नर है, ये है एक मिर्ची का, मिर्ची तो मैंने बहुत सारी लगा रखी है, बस फूल हो गए हैं, अब आने बाकी हैं। और ये है एक बैंगन का पौधा जो कि काफ़ी हर साल बहुत अच्छा देता है मेरे को बैंगन। और यह एक ट्राईसाइकिल, सांच की ट्राईसाइकिल है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है और डिस्कार्ड करने का मेरा मन नहीं था और ये गिफ्टेड भी था तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट यूज़ और क्या हो सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट किया है। बालकनी एक एंट्रेंस है और उस बालकनी का भी एक एंट्रेंस है जो कि ये है और इसके लेफ्ट साइड में इस तरीके से मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। समर्स में मैं इसमें कुछ भी नहीं रखती क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है। जो अभी आपने तुलसी जी देखी थी ये हमारे यहाँ अपने आप आई हैं तो मैंने इनको एज इट इज़ रखा हुआ है और क्योंकि रेनी स्टार्ट हो गई है तो मैंने सबको अच्छे से बाहर एडजस्ट कर दिया है। और रेनी टाइम पर सब प्लांट्स जब धुले धुले होते हैं ना तो एक ग्रीनरी अलग से
पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये सारे प्लांट्स मेरे 4-5 साल पुराने मेरे प्लांट्स हैं, और इसी के थोड़ा आगे आने पे इस तरीके से रेलिंग पे मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। आपको धुला धुला सा और काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा होगा ये, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश भी हुई थी। ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं छोटे से में, ये बेसिकली वो जो बिग लॉलीपॉप आता है ना, जिसमें बहुत सारे लॉलीपॉप्स होते हैं, तो उसका मैंने एक DIY करके यहाँ पे बनाया है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। फूल आके दोबारा कलियाँ भी आ गई हैं। सो यहाँ पे मैंने दोबारा से कुछ मिर्ची मैंने लगा रखी है। यहाँ पे धनिया था जो कि मेरा अब ख़त्म हो गया है, तो मैंने मिर्ची लगा दी दोबारा से। सो इसको भी हाइट देने के मैंने एक टेबल का यूज़ किया है, और इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को अच्छे से डेकोरेट किया है। सो इस वाले कॉर्नर के लेफ्ट में आती है मेरी बालकनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत स्पेशियस है, मेरी फेवरेट है। और एक चीज़ मैं और कुछ टाइम में करने वाली हूँ, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ पे एक टेंट लगाने वाली हूँ, और डिम लाइट होगी, म्यूज़िक होगा, बारबेक्यू करेंगे। और क्योंकि हम लोग अपना वीकेंड ना यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं, तो मैं एक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ नाइट का व्यू, और आप नाइट का व्यू इन्जॉय करिए। मिलते हैं वीडियो के थोड़े एंड में। सो ये है मेरी बालकनी, जिसको मैंने बहुत प्यार से, बहुत ख्वाहिशों से, बहुत मेहनत से बनाया है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको इसी तरीके से रखूँ और भी खूबसूरत बनाऊँ। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी इसमें चेंजेस होंगे। सो अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगी मेरी बालकनी, और क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं टाइम से रिप्लाई दे सकूँ, और मैं देती भी हूँ। अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।